स्पष्ट से देखा कि नहीं बेरासी में, तो हमने प्यारलाल भाई से पूछा, तो सारी चाबी हमारे अटॉर्निंग भाई लोगों में है, अटॉर्निंग के हाथ में जाएगी। सीओ साहब, कर्मचारी साहब, एक तो दूज का चांद है, इन लोगों का अगर पूछा जाए। कुछ जवाना से हमके साथ पुस्तान और आ गई बा, हमके घाट पर लोग उपदर लगौले बा, बेच के घर दुआर लोग बनवावता, हमके उपदर लगा देले बा लोग। हेतना मेहरारू लोग जौन लोग कहाँ जाए, ओपर बोना के चाही, ओपर एगो खर ना रह के चाही, ओपर एगो टिनका ना रह के चाही, घाट टिकर रह के चाही। हमारे तरफ से नमस्कार। हम लोग उपवास सवेरे से हैं और पूरा महिला धरना दे रही है छठ घाट के लिए। हम लोग छठ घाट मांग कर रहे हैं कि वहाँ से खाली होना चाहिए कि हम लोग पर्व करेंगे। अतिक्रमण किया गया है कुछ गलत व्यक्तियों द्वारा, हम लोग प्रशासन से गुहार लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी थाना प्रभारी और DSP को मिली भगत से आज तक अतिक्रमण नहीं आता हटा। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ तुरंत इसका अतिक्रमण हटाया जाए। मैं DM साहब के पास, SP साहब के पास, मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास भी मैंने अपने बात को रखा है। जो है जगदीशपुर पोनाडी में 10 गांव की महिलाएं जो छठ पर्व करती आ रही हैं सैकड़ों वर्षों से, उसको ये थाना प्रभारी और CO मेल मिले करके कुछ अतिक्रमणधारियों द्वारा कुछ हटकाट का जो है अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके विरोध में उसमें एक कृष्णा अमीन है, ध्रुव प्रसाद हैं, एक नौथू मुखिया, भूतपुर मुखिया है, वो ये लोग राजनीति के तहत पूरे छठ घाट का अतिक्रमण कर लिए हैं। बार बार पंचायती की बात होती आ रही है 3 माह से, लेकिन कोई निष्कर्ष पर ना कोई पदाधिकारी बोल रहा है ना कर रहा है। मजबूर हो करके हम लोग आज धरना कार्यक्रम रखे हैं, अनशन कार्यक्रम रखे हैं। हम लोगों की यही मांग है कि इस जनता के ऊपर जो कहर बरपाया गया है, झूठा मुकदमा किया गया है, उस मुकदमा को वापस लिया जाए, छठ घाट को जो है मुक्त कराया जाए।